दिया, क्या हुआ? ध्रुव और पैम इलोप कर गए क्या? रानी, जिया बेटा, क्या हुआ है? सब बर्बाद हो गया। कहाँ? अरे पता भी क्या हुआ है? मुझे लगता है किसी लड़के ने इसे छेड़ा है। मम्मा फिर ऐसे थोड़ी कहती कि सब बर्बाद हो गया, फिर ये कहती कि मैं बर्बाद हो गई। बता क्या हुआ है? हाँ घबरा मत, बता। मेरा पेपर खराब हो गया। ओए होए, खोदा पहाड़ निकली चुईया। रोनी की क्या बात है, मैं सुधार दूंगी ना। आप कैसे सुधारेंगी? जादू से? कोई जरूरत नहीं है। बेटा ऐसे रोते नहीं, हाँ ये तो हमारा पहला पेपर है ना। हाँ, और अगले पेपर में तो 3 दिन का गैप है, खूब मन लगाकर पढ़ना और फिर मैं सिखा दूंगी तुझे कैसे पढ़ना है। क्यों राधा? और नहीं तो क्या, ऐसे रोते थोड़ी है, तू तो मेरी बहादुर बच्ची है। मैं बच्ची थोड़ी ना हूँ। मम्मा मैंने कुछ गलत कहा? तुम इतने सारे बुक्स लेकर कहाँ जा रही हो? एग्जाम तो जिया के है ना। लेकिन माँ के लिए तो एक ही बात होती है ना। इसीलिए तो कहा जाता है कि माँ होना आसान नहीं होता। और इस बाप को देखो, उसे तो खबर भी नहीं कि बच्ची के इम्तिहान है। लो, आप फिर इनके पीछे पड़ गई। तुम 20 साल पहले जो इनके पीछे पड़ गई थी, आज तक भुगत रही हूँ मैं। रानी देवी, बच्ची के आंसू देखे नहीं जाते हैं, प्लीज आशीर्वाद दो। हाय ग्रैनी। तेरी आवाज पे क्या हुआ? तो आपने भी नोटिस किया है चेंज? Isn't that sounding sexy and husky? मुझे तो मेंढक जैसी लगी तेरी आवाज। आजकल इसे हस्की एंड सेक्सी कहा जाता है क्या? आपकी गलती नहीं है, आप नहीं समझे, आप काफी बूढ़ी हो चुकी हैं। बूढ़ी होगी तेरी अम्मा, मैं तो 125 साल तक जवान रहूंगी। बाय द वे, जिया कहाँ है? पढ़ रही है। पढ़ रही है? ऐसे मौसम में भी कोई पढ़ाई करता है? जिनके इम्तिहान सर पर होते हैं वो पढ़ते हैं। सो सैड, सुंदर लोग तो पढ़ने के लफड़े में ही नहीं पढ़ते। हेलो, क्या कर रहे हो तुम लोग? पूजा। एग्जाम के पहले जो करते हैं वही कर रहे हैं, पढ़ाई, तभी इतने चिड़चिड़े मूड में हो। पैम, तुम्हें एग्जाम का टेंशन नहीं आता? मैं टेंशन लेती नहीं, देती हूँ स्वीटी। वैसे तुम लोग भी खामखा टेंशन ले रहे हो, अरे ऐश करना सीखो। वो कैसे? चीटिंग? मैं कभी चीटिंग नहीं करती। अच्छा? हाँ, और तुम भी मत करना वरना पकड़ी जाओगी और फिर जिंदगी भर पछताओगी। Hello everybody, what's up? Hi. Hi. Hello. पैम, तुम एग्जाम्स के आगे पीछे ऊपर नीचे इतनी गॉर्जियस कैसे लगती हो? देखो तू, पैम तो ऐसी ही लगती है ना। क्या करूं, मैं ऑर्डिनरी लग ही नहीं सकती। एग्जाम और नो एग्जाम, वैसे एग्जाम में ऐसी क्या बात है जो तुम लोग इतनी टेंशन ले रहे हो? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नथिंग एट ऑल। जिया, तुमने मेरे नोट्स बनाए? नहीं, और वैसे भी अगर बनाए भी होते तो इस वक्त तो तुम लेते नहीं। पैम, तुमने तो बना लिए होंगे है ना? नोट्स? नोट्स वो बनाते हैं जिनके यहाँ कुछ नहीं होता, मेरे तो सब कुछ यहाँ है। वैसे तो मेरे भी नोट्स तो ये बनाती है, मैं तो सिर्फ एग्जाम्स के एक दिन पहले पढ़ लेता हूँ। ओह, एग्जाम तो परसों है, तो परसों कर लेना। या तुम भी अभी देखना चाहते हो जिया की तरह किताबों के नीचे बैठकर? वो टॉप करती है ना, इसलिए ज्यादा पढ़ती है, लेकिन मैं अभी से पढ़ाई तो चले। कहाँ? फ्लाइट पे। श्योर? जस्ट अ मिनट। जिया, तुझे नहीं लगता पैम कमाल किया? जैसे बात वैसे ही चाल, कॉन्फिडेंस, धमाल। कॉन्फिडेंस की तो हम एग्जाम्स के बाद बात करेंगे। ए देख, तू जेलस मत हो, तू जेलस होती है ना तो तेरे कान लाल हो जाते, तेरी नाक बैंगनी और होंठ काले। यू लुक फनी, लाइक लिटिल फनी। आई एम रेडी ध्रुव, चले। श्योर। पाल जिया, तुम बैठकर किताबों से बातें करना।
लेट्स गो। उंगली ऐसे घुमा दू, जादू ऐसा चला दू, दिल जिया का ना दुखे, घोड़ी लंगड़ी बनकर घूमे। GNP is equal to R plus W plus 1 plus P plus X minus M plus R minus P. GNP is equal to W minus plus... GNP is equal to R plus W plus I plus P plus X minus M plus R minus P. क्या करूं? किताब देखती हूं तो सब याद रहता है, नीचे रखती हूं तो दिमाग खाली। जिया बेटा, ये ले दूध और बादाम। बादाम खाने से ना दिमाग तेज चलता है। ये ले। मम्मी, तेज चल चल के गर्म हो गया है, अब तो मुझे डर लग रहा है कहीं फट ना जाए। ये ले जिया बेटा, बर्फ बर्फ अपने सर पे लगते दिमाग ठंडा हो जाएगा। एक तो मुझे वैसे कुछ याद नहीं रह रहा है, ज्यादा ठंडा हो गया तो जो याद है वो भी फ्रीज हो जाएगा। कहो तो मैं कुछ करूं? खबरदार मम्मी, आप कुछ भी नहीं करेंगी, समझ गए? इसके भरोसे रहे तो हो चुकी पढ़ाई। जिया बेटे, एक जादू ऐसा सब याद हो जाए जैसे का तैसा। ओ नानी, तुम हो कितनी प्यारी, सिखा दो मुझे जादूगरी तुम्हारी। सीखना है अपनी मम्मी से नहीं बताना। इधर आओ। अब पेन देना। हाँ हाँ, लेफ्ट कांड भी होना चाहिए, नहीं राइट। नानी जल्दी करो वरना मम्मी आ जाएंगी। अच्छा अब किताब उठाओ और मेरे पीछे पीछे कहो, श्रिंग ब्रिंग सर्वलिंग हो धुआं धार पढ़ाई। श्रिंग ब्रिंग सर्वलिंग हो धुआं धुआं पढ़ाई। मम्मी जल्दी करो, हमें जाना है। अरे जिया बेटा, तूने दही देखी है? मैंने फ्रिज पे रखी थी, पता नहीं कहाँ है। वो तो शांति आंटी सवेरे सवेरे ले गई। बिट्टे मुंह, अब क्या करूँ मैं? बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू नानी। नानी बेस्ट तो तब होगा जब मम्मी हमें यहाँ से जाने देंगी। राधा, शुभ घड़ी निकली जा रही है। अरे मम्मा, वो शांति की बच्ची है ना। बच्ची? उसका तो सिर्फ एक बच्चा है। इसकी इम्तिहान के चक्कर में तेरा दिमाग भी खराब हो रहा है क्या? मम्मा शांति जी दही लेकर चले गई है, अब मैं इन बच्चियों को क्या खिलाऊं? दही, दही है ना वो फ्रिज के ऊपर। हाँ मैंने देखा था, चलो चलो जाओ। अच्छा हाँ, फ्रिज के ऊपर दही। आ आ बेस्ट ऑफ लक, ला जा फ्रिज के ऊपर जा। मिल गई। ऑल द बेस्ट। बाय मामा, बाय नानी। बाय बाय। श्रिंग रिंग सर्वलिंग जो पढ़ा नहीं पढ़ा सब याद रहेंगे, एग्जाम अच्छा अच्छा होएंगे। बाय नानी। ये ध्रुव नजर नहीं आ रहा। कैसे नजर आएगा, पैम भी तो कहीं नजर नहीं आ रही। गया होगा कहीं पैम के साथ। ध्रुव ऐसा नहीं है। देखा, वो रात दूर, मैंने कहा था ना ध्रुव ऐसा नहीं है। चल। हाय ध्रुव। अरे कहाँ थी अब तक, कब से ढूंढ रहा हूँ तुम्हें। हाय मीता। कल तो तुम क्या हुआ ध्रुव, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? मैं पागल हो जाऊंगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या हुआ मुझे बता। अच्छा ये इक्वेशन कैसे सॉल्व होती है? 100x upon 100x plus 2y minus 5 is equal to 200x plus. अरे 98x is equal to 199y plus 5. Y is equal to x minus 2. 98y is equal to 199y minus 293. आप हमें ऐसे ना देखिए, हम पलक झपकना भूल जाएंगे। 101y is equal to 393x. Therefore, y is equal to 101 upon y is equal to 3.89. Therefore, y is equal to 3.89 minus 2. That is 1.89. ये मुझे कल तक तो नहीं आ रहा था, आज कैसे आ रहा है? हाँ, जिया ने कहा था कभी कभी ख्वाहिश भी जादू का काम कर जाती है, है ना राजा? अरे
बस की बात नहीं है, तुम छोड़ दो। मैम को जरूर मालूम होगा। हेलो। हाय। आंसर एनी फाइव। मैं तो सारे के सारे टेन लिख दूंगी। चेक एनी फाइव। क्या हुआ? कुछ नहीं। अरे क्या आंसर? नो टॉकिंग। नो टॉकिंग। क्या है जेट, तुम्हें मना किया था ना एग्जामिनेशन हॉल में नो चीटिंग, स्टैंड अप। स्टॉप। ये तुम्हारी नहीं है, तुम्हें मालूम नहीं ये क्या है, बचपन से सुनते आ रहा हूं मैं। चलो प्रिंसिपल के ऑफिस। लेकिन सर मैं कसम खा के, मैंने कसम खाओ, जहर खाओ, कुछ भी खाओ, लेकिन मेरा दिमाग मत खाओ। मैं बहुत नफरत करता हूं तुम जैसी लड़कियों से जो भोली शक्ल बनाकर नकल करती है। चलो अब टाइम मत वेस्ट करो। गॉड की, भगवान की, मम्मी की, पापा की, नानी की, मैं सबकी कसम खा के कहती हूँ सर मैंने चीटिंग नहीं की। पता है मेरी मम्मी एक टॉपर हैं और मेरे पापा डॉक्टर, मेरी तो पूरी फैमिली में कभी किसी ने चीटिंग नहीं की। देखो जिया, मैं मानता हूँ कि तुम क्लास में हमेशा फर्स्ट आती हो, लेकिन जब तक तुम मुझे नहीं बताओगी कि चीटिंग किसने की है, मैं लोगों को कैसे कन्विंस करूं? नाउ प्लीज स्टॉप क्राइंग, मेरा दिल पिघल रहा है, समझी क्या? लेकिन मेरे हाथ भी बंधे हुए हैं, जब तक तुम मुझे नहीं बताओगी, आई हैव ओनली वन वे, आई विल हैव टू सस्पेंड यू चैप्टर। वो नहीं बताएगी सर, गलती मैंने की है। ये कहानी में नया ट्विस्ट कहां से आ गया? ये ट्विस्ट नहीं, गलती मैंने की है, चीटिंग मैं कर रहा था। गलती से मेरा चिट जाकर जिया के टेबल पर जा गिरा और इन्होंने सोचा कि जिया चीटिंग कर रही थी। तुम चीटर हो या फिर सत्यवादी हरिश्चंद्र, और या तो जिया के दोस्त जो उसे बचाने की कोशिश कर रहे हो। सर मैं कह रहा हूँ ना, चीटिंग मैंने की है। ओके देन जिया, यू गो एंड कंप्लीट योर पेपर, और आप यहाँ बैठिए टिल योर पेरेंट्स कम। आई सेड जिया गो। मुझे बताने चली थी कि चीटिंग करनी बुरी बात है, और खुद ही फंस गई, वो भी बिना चीटिंग किए हुए। अब मजा आएगा जब कॉलेज से वो सस्पेंड होगी और उसे निकाला जाएगा, तब उसे पता चलेगा कि पैम के साथ पंगा पड़ता है कितना महंगा। महंगा महंगा। बाय जिया। तुम्हें क्या लगा कि मैं कॉलेज से सस्पेंड हो जाऊंगी? ओह, तो प्रिंसिपल को तुम पर दया आ गई? नहीं, ना तो उन्हें दया आती है और ना ही कभी आएगी। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। जल तू जला तू, सच का दिखा कमाल तू, हवा आ उड़ा जा, सारे पर्चे दिखा जा। चीटिंग, बहुत बुरी सजा मिलेगी परमिंदर सोनी। परमिंदर सोनी नहीं, पैम। तुम पैम हो कि ब्रेड जैम हो? चलो प्रिंसिपल के पास, कम ऑन। मैंने बड़े बड़े बेवकूफ देखे पर तेरे जैसा बेवकूफ नहीं देखा। पता नहीं क्यों मैं इतनी नर्वस हो गई और कह ही नहीं पाई कि पैम असली चीटर है। मैं एग्जाम की चीटिंग की बात नहीं कर रही हूँ, मैं किसी और चीटिंग की बात कर रही हूँ। कैसी चीटिंग? अरे पागल, प्यार का एहसास। तुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ध्रुव तुझसे इतना प्यार करता है पर कहने से शर्माता है, और तू है कि समझ नहीं पा रही है। तुझे किससे कहा? भगवान ने आकर कहा, कान में कहकर गए। स्टूपिड, मेरे दिल ने कहा। तेरा दिल कुछ नहीं कहता, अकल तो ये कहती है कि ध्रुव अगर तुझसे प्यार नहीं करता था तो थोड़ी ना पूरा इल्जाम अपने आप पर लेता था। पागल, क्लास में तो
फास्ट आती है पर इतना भी नहीं समझ पाती। देख मैंने तुमको यहाँ पे बुलाया है, देखते देख वो आ रहा है, अपने दिल की बात कह देना ओके बाय। नहीं मीता लेकिन सुन मीता। हाय 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 मीता कह रही थी कि तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो। लेकिन अभी अभी तो वो कहकर गए कि तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। उसे कैसे पता? वो हम दोनों से इन चीजों में थोड़ा आगे है ना। कहो क्या? वही जो तुम कहने आए हो। हाँ वो तुम्हें थोड़ा अजीब लगे इसीलिए कहकर देख लो। वो मैं कहो ना। वो मैं तुमसे कहो ना। वो मैं तुमसे तुम्हारा स्लीपिंग बैग बोरो करना चाहता हूँ, कल ट्रैकिंग है ना इसलिए। Shut up!